आपको इम्पॉसिबल लॉजिकल माइंड चैनल में स्वागत है, जहां मौत के बाद भी कायम रहती है जिंदगी। कहते हैं हमारे अपने जो गुजर जाते हैं वो हमेशा हमारे दिलों और यादों में जिंदा रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया का एक समाज अपने अपनों से इतना प्यार करता है कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। दक्षिण सुलावेसी के पहाड़ों पर रहने वाले तोरजा समाज के लोगों की ये कहानी शायद किसी डरावनी फिल्म जैसी लगे, लेकिन ये उतनी ही सत्य है जितना की मौत खुद। अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद लोग शव को नहीं दफनाते बल्कि उसे अपने साथ ही रखते हैं। मृत्यु के बाद शव को परिवार के सदस्य की तरह ही रखा जाता है, परिवार का ही हिस्सा होते हैं शव। आमतौर पर मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाता है, लेकिन तोरजा समाज के लोग मृत्यु के बाद भी शव को शव नहीं मानते। यहाँ शव परिवार का ही हिस्सा होते हैं। शव को घर में वैसे ही रखा जाता है जैसा वो व्यक्ति मृत्यु से पहले था। ये लोग मृतक को बीमार व्यक्ति की तरह मानते हैं, जिसे मकुला कहते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना नियमित तौर पर दिया जाता है। वो रोजाना उन्हें नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उनका शरीर सुरक्षित रहे इसके लिए फॉर्मल्डिहाइड और पानी का मिश्रण नियमित रूप से शरीर पर लगाते रहते हैं। इनका कहना है कि इन्हें शवों से डर नहीं लगता क्योंकि मृतक के प्रति प्यार डर से ज्यादा होता है। 3 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके भाई बहन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो उससे पहले की तरह ही बात करते हैं। मृत्यु और अंतिम संस्कार एक बीच होता है एक लंबा अंतराल। अपने घर में शव के साथ रहना इनके लिए जरा भी अजीब नहीं है क्योंकि ये उनकी संस्कृति है। इस समाज की मान्यता है कि इंसान के अंतिम संस्कार में पूरा कुंबा उपस्थित रहना चाहिए। इसलिए जब तक परिवार के सभी लोग इकट्ठा नहीं होते शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता।